हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं बहुत ही सुंदर डिज़ाइन के साथ आई हूं। और ये देखिए डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है। इसको आप लेडीज़ कार्डिगन में, गर्ल्स कार्डिगन में, या टॉप में, श्रग में, या आप कुर्ती वगैरह में भी डालेंगे तो बहुत सुंदर डिज़ाइन है और बहुत सुंदर लगेगा। ये किसी भी आप प्रोजेक्ट में डालेंगे तो, और बच्चों के बेबी स्वेटर वगैरह में या फ्रॉक में ये डिज़ाइन डालोगे बहुत सुंदर लगेगा। और आप इसको ये नीचे से ही स्टार्ट कर सकते हैं। और देखिए नीचे से स्टार्ट करने से ये देखिए जिगजैग वाली हमारी शेप भी आ जाएगी। और इसमें बॉर्डर बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप बॉर्डर बना दूसरा बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी ये वाला डिज़ाइन सेट कर सकते हैं। बहुत सुंदर डिज़ाइन बनकर तैयार होता है। तो और ये डिज़ाइन 12-12 के मल्टीपल से बनता है और 3 फंदे इसमें एक्स्ट्रा डालेंगे तो हमारे डिज़ाइन सेट हो जाएगा। आप 12-12 के मल्टीपल से फंदे लीजिए और 3 फंदे इसमें ऐड कर दीजिए तो ये डिज़ाइन आपका सेट हो जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें 12 × 2 = 24, 24 और 3 फंदे मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिए हैं, यानी कि टोटल 27 फंदे मैंने इस सिलाई में लिए हैं। और इसमें मैंने देखिए 12 × 36, 36 और 3 फंदे यानी कि 39 फंदे मैंने इसमें लिए थे। और चलिए अब फर्स्ट रो हम बनाते हैं। ये देखिए पहला फंदा स्टिच उतार लेंगे और फिर धागे को अपनी ओर करेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे। यहाँ 2 फंदों का, 2 फंदे ले लिए, 2 फंदों का एक करेंगे देखिए। और 4 फंदे अब हम उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 देखिए 4 फंदे उल्टे बन गए, 4 फंदे उल्टे बन गए। अब हमें यहाँ पे एक फंदे पर यहाँ पर जाली डालनी और एक फंदा सीधा बनाना है। देखिए धागे को अपनी तरफ ही रखेंगे और इसको सीधा बना देंगे तो यहाँ पे जाली पड़ जाएगी और एक फंदा हमारा सीधा बन जाएगा। देखिए एक फंदा हमारा सीधा बन गया। अब हमें यहाँ पे भी जाली डालनी है और 4 फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। तो धागे को अपनी ओर करके यहाँ पर जाली डालेंगे, ऐसे डबल लपेट लेंगे और यहाँ जाली भी डल जाएगी और 4 फंदे हमें उल्टे बना लेंगे, 1, 2, 3, 4 4 फंदे देखिए उल्टे बन गए। अब यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 फंदों का एक करेंगे हम। ये 3 फंदे ले लिए हमने, 3 का एक कर देंगे ये देखिए। अब देखिए ये 2 फंदे छोड़ के, 2 फंदे छोड़कर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे 12 फंदों का डिज़ाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यही फंदे हमें बार बार रिपीट करने हैं। आप जितने भी फंदे डालेंगे उसमें ये डिज़ाइन बार बार रिपीट होगा। अब फिर से हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4 देखिए 4 फंदे उल्टे हो गए। अब यहाँ पे धागा अपनी तरफ ही रहेगा, फिर से एक फंदा सीधा बना देंगे, यहाँ जाली पड़ेगी, फिर ऐसे सिलाई पे यहाँ पे जाली डलेगी और 4 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 ये देखिए 4 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब देखिए यहाँ पर अगर हमारे और फंदे होते तो हम यहाँ 3 का एक करते, पर हमारे पास सिर्फ 3 फंदे हैं तो हम यहाँ 2 का एक करेंगे। धागे को अपनी ओर ही रखेंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे ये देखिए, 2 का एक कर दिया, फिर धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बना देंगे स्टिच। तो ये फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। सेकंड रो हमारी पूरी उल्टी उल्टी बनाकर हम तैयार कर लेते हैं, इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं पड़ेगा, ये पूरी रो हमारी उल्टी बनेगी। और ये 10 फंदों का हमारा, 10 सिलाइयों का डिज़ाइन है। इसको आप बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा डिज़ाइन बनता जाएगा 1 से लेकर 10 तक। और बहुत इजी डिज़ाइन है और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। तो चलिए इसको अब हम उल्टा उल्टा बना लेते हैं। उल्टी साइड हमारी पूरी उल्टी उल्टी बनेगी, हर एक सिलाई में उल्टी साइड पूरी उल्टी उल्टी बनाएंगे
और सीधी सिलाई में सिर्फ डिज़ाइन पड़ेगा हमारा। चलिए ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट होती है। ये देखिए सेकंड रो कंप्लीट है। अब थर्ड रो में देखिए एक फंदा हम स्टिच फिर से उतार लेंगे ऐसे और धागे को अपनी ओर करेंगे। अब दो फंदों का एक करेंगे, दो का एक कर दिया, फिर देखिए एक दो और ये तीन फंदे अब उल्टे बनाएंगे। पहले हमने चार बनाए थे, फिर दो का एक कर दिए। यहाँ पे हमारा फंदा देखिए घट रहा है और इधर बढ़ेगा। फिर धागे को देखिए, यहाँ पर देखिए अब एक फंदा हम सीधा बना लेंगे, धागे को पीछे करके एक फंदा सीधा बना लेंगे और यहाँ पर जाली डालेंगे। इस फंदे के दोनों साइड जाली पड़ेगी, धागे को अपनी ओर करेंगे और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए फिर से धागे को अपनी ओर करेंगे और ये वाला फंदा सीधा बनाएंगे, इसलिए एक फंदे के दोनों साइड देखिए जाली पड़ेगी। अब फिर से धागे को अपनी ओर करेंगे और तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन। तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद देखिए ये तीन का एक करेंगे यहाँ पे आप, ये देखिए ये तीन का एक कर दिया। अब देखिए यहाँ से छोड़ के ये पूरे हमारे 12 फंदों का डिज़ाइन है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, यही बार बार हमें रिपीट करना है। यही फंदे यही डिज़ाइन बार बार रिपीट करेंगे तो हमारा डिज़ाइन सेट हो जाएगा। फिर से तीन फंदे, एक दो तीन, और देखिए धागे को पीछे करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागे को अपनी ओर करके जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर जाली डालेंगे और ये वाला फंदा सीधा बना देंगे। ये देखिए धागे को अपनी ओर करेंगे, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, फिर से दो का एक करेंगे, दो फंदे के उल्टा बना देंगे और धागे को पीछे करके एक फंदा स्टिच सीधा। ये देखिए थर्ड रो हमारी कंप्लीट है। अब फोर्थ रो में हमारा पूरा उल्टा उल्टा हम बनाएंगे, इसमें कोई भी डिज़ाइन हम नहीं डालेंगे। चलिए इसको बना के कंप्लीट कर लेते हैं, इसको पूरी उल्टी उल्टी बनाएंगे। चलिए मैं फिफ्थ रो में आपको दिखाऊंगी, अब इसको बना लेती हूँ। देखिए फोर्थ रो कंप्लीट हो गई। फिफ्थ रो में एक फंदा स्टिच, फिर धागे को अपनी ओर करेंगे, दो का एक करेंगे। अब देखिए तीन फंदे पहले बनाए थे, अब दो फंदे बनाएंगे, एक दो, दो उल्टे बना लिए। अब फिर धागे को पीछे करेंगे, अब यहाँ पे देखिए दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, पहले एक और ये दो, दो फंदे सीधे बना लिए। अब हमें यहाँ जाली नहीं डालनी और इस फंदे पे हमें सात फंदे बनाने हैं। ये देखिए ये एक, फिर धागे को हम ऐसे लपेटेंगे सिलाई पे, ये देखिए दो तीन हो गए, फिर धागे को ऐसे लपेटेंगे, धागे को ऐसे लपेटेंगे, ये देखिए पाँच हो गए, फिर धागे को लपेटेंगे ऐसे, ये सात हो गए। हमें एक फंदे के सात फंदे बनाने हैं इस पर, और फिर से दो फंदे, एक और ये दो, दो फंदे सीधे बना के फिर से धागे को अपनी ओर करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो। अब फिर से तीन का एक करेंगे, ये देखिए ये तीन का एक हो गया। अब यही हमें यहाँ तक फंदे बार बार रिपीट करने हैं ऐसे ही। तो चलिए दो फिर फंदे फिर से उल्टे, धागे को पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे, एक दो। अब फिर से इस पे हमें सात फंदे बनाने हैं, ये देखिए दो तीन ये चार ये पाँच छः और ये सात। ये देखिए एक फंदे के सात हो गए, फिर दो फंदे सीधे, एक दो, फिर दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागे को अपनी ओर करके और फिर दो का एक कर देंगे और ये एक फंदा स्टिच धागे को पीछे करके सीधा बना देंगे। ये देखिए फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई है। अब सिक्स्थ रो पूरी उल्टी उल्टी बना लेंगे हम, इसमें हमें कोई भी डिज़ाइन नहीं डालना है, जैसा है वैसा ही बना लेंगे। ये देखिए और ये जो हमने एक के साथ फंदे बनाए थे ये भी पूरे उल्टे बनेंगे। ये देखिए इसको एक एक करके उल्टा बना लेंगे हम। ये देखिए
ये पूरे 7 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब बाकी सारे उल्टे उल्टे हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए 7th रो में मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 6th रो कंप्लीट हो गई। 7th रो एक फंदा स्टिच, धागे को अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दो फंदों का एक करेंगे और यहाँ पे एक फंदा रह जाएगा। अब इसको उल्टा बना लेंगे, धागे को पीछे करेंगे। अब ये देखिए ये हमारे 11 फंदे हैं, इनको सीधा बनाना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये देखिए 11 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब फिर से धागे को अपनी ओर करेंगे, 3 का 1 करेंगे। यही बार बार हमें रिपीट करते रहना है। 3 का 1 कर लिया। अब देखिए एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे। देखिए ये हमें बार बार रिपीट करना है। देखिए 11 फंदे हमने बनाने के बाद एक उल्टा, फिर 3 का 1 किया, फिर ये देखिए एक फंदा उल्टा बनाएंगे और फिर से अब देखिए 11 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फंदे देखिए सीधे बना लिए, फिर धागे को अपनी ओर करेंगे। अब एक फंदा उल्टा बनाएंगे और 2 का 1 करेंगे और धागे को पीछे करके ये सीधा फंदा बना देंगे। देखिए 7th रो बन गई। अब 8th रो पूरी हम उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर 9th रो में मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स अब 8th रो कंप्लीट हो गई। 9th रो एक फंदा स्टिच, फिर देखिए 2 फंदे यहाँ पे बचे हैं उल्टे, 2 का 1 कर देंगे, फिर धागे को पीछे करेंगे और ये 11 फंदे हैं, इसको हम सीधे सीधे बना लेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फंदे देखिए सीधे बना लिए, फिर धागे को अपनी ओर करेंगे। अब यहाँ पे 3 फंदे हमारे उल्टे बचे हैं, 3 का 1 करेंगे अब हम, ये देखिए, और धागे को पीछे करेंगे, फिर से 11 फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 फंदे देखिए बना लिए सीधे, धागे को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों का 1 करेंगे और धागे को पीछे करते हुए 1 फंदा सीधा बना लेंगे। ये देखिए 9th रो हमारी कंप्लीट होगी और 10th रो पूरी उल्टी उल्टी बनानी है। चलिए इसको बना के कंप्लीट कर लेते हैं 10th रो। तो फ्रेंड्स देखिए ये 10th रो हमारी कंप्लीट हो गई है और ये 10th रो का ही डिज़ाइन है। इसके ऊपर आप फिर से जैसे हमने 1 से स्टार्ट किया था फिर से वैसे ही स्टार्ट करना है, तो हमारा ऐसे डिज़ाइन ये बनने लगेगा। और देखिए कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन लग रहा है, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। तो चलिए मैं इसको एक बारी और आपको दिखा देती हूँ कैसे हमें डालना है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो नेक्स्ट लाइन में। देखिए जो हम 11th रो बनाएंगे वो देखिए एक फंदा ऐसे, फिर धागे को अपनी ओर करेंगे, 2 फंदों का 1 करना है पहले, फिर 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से धागे को अपनी ओर ही रखना है और ये वाला फंदा सीधा बनाना है और यहाँ पे जाली डल जाएगी और ये वाला फंदा सीधा हो गया। फिर देखिए धागे को अपनी ओर करके धागे को अपनी ओर ऐसे करना है ताकि हमें उल्टा भी बनाना है तो यहाँ जाली भी डालनी है।
देखिए चार फंदे हमें उल्टे बनाने हैं, दो तीन चार, चार फंदे देखिए उल्टे बन गए। अब यहाँ पे ये देखिए चार फंदे उल्टे बन गए। अब यहाँ पे तीन का एक करना है आपको, ये जो है तीन फंदे इनका एक करना है, ये देखिए। और अब फिर से वही डिज़ाइन रिपीट करना है हमको, देखिए चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, चार फंदे उल्टे हो गए। अब यहाँ पे देखिए ये फंदा सीधा बनाना है हमको, ये आप देखिए, ये आप देख लीजिए कि ये इसकी सिधाई पर ये, तो ये वाला फंदा हमारा बनेगा सीधा। तो जाली डालते हुए इसको सीधा बनाएंगे और ऐसे लपेट के फिर से चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार। अब देखिए दो फंदे रह गए हमारे, तो दो का एक करेंगे यहाँ पे और धागे को पीछे करते हुए स्टिच सीधा बनाएंगे। ऐसे ही आप बनाते जाएंगे तो आपका डिज़ाइन बनता जाएगा और बहुत ही आसान डिज़ाइन है, इसे बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही नई नई वीडियो आती रहेंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके पहले सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।